अन्न उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु एवं कीटक हमारी बहुत सहायता करते हैं। आज वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से प्राकृतिक घटक पर शोध कर जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों को तैयार किया है। आइए इन्हें कैसे इस्तेमाल करें जानें। एज़ोटोबैक्टर, यह जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर उसका रूपांतर कर पौधों को उपलब्ध कराता है। नाइट्रोजन अन्न बनाने की प्रक्रिया में एवं पौधों की वृद्धि में मदद करता है। राइजोबियम, यह जीवाणु पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर रहकर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। यह जीवाणु कुछ विशिष्ट पौधे जैसे चना, सोयाबीन, चवला और बरसिम घास में ही वृद्धि करता है। अजोस्पेरिलियम, यह जीवाणु मुक्त रूप से मिट्टी के अंदर रहकर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। जहां ऑक्सीजन की कमी है या पानी अधिक मात्रा में है जैसे कीचड़ वाली जमीन में अच्छा काम करता है। एसिटोबैक्टर, गन्ने की फसल के लिए यह जीवाणु पौधों के अंदर जाकर नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करता है। पीएसबी कल्चर, मिट्टी के अंदर अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। इससे पौधों की जड़ों का विकास होता है। पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो पोटैश को पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु मिट्टी में मौजूद जिंक को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराता है। इससे मूल द्रव्यों की अवशोषण क्षमता बढ़ती है। ऐसे सभी बहुउपयोगी सूक्ष्म जीवाणु का प्रयोग आसान तरीके से कर सकते हैं। बीज बोने के समय बीज प्रक्रिया करना है। 15 ग्राम से 25 ग्राम जीवाणु पाउडर प्रति किलो बीज के हिसाब से लें। इसे गुड़ के पानी में भिगोएं। 1 घंटा छांव में सुखाकर तुरंत बुआई करें। जैविक कीटनाशक, फसल संरक्षण में ट्राइकोडर्मा एवं स्यूडोमोनास नामक सूक्ष्म जीवाणु के प्रयोग से फफूंद से होने वाली बीमारियों का रोकथाम होता है। इल्लियों एवं कीटकों के नियंत्रण के लिए बेवेरिया बेसियाना, बेटीसिलियम लेकानी, मेटाराइजियम आदि का उपयोग किया जाता है। नीम बीजों का अर्क, नीम का तेल और दशपर्णी अर्क जैसी दवाइयां किसान स्वयं तैयार कर बहुत सारे बीमारियों से फसल की रक्षा कर सकता है।